दरवर्षी प्रमाणे यंदाही हज यात्रेसाठी लाखो मुस्लिम बांधव सौदी अरेबियातील पवित्र शहर मक्का मदिना येथे जात असतात। ज्या भाविकांना आपली हज यात्रा व धार्मिक विधी शास्त्रोक्त पद्धतीने कशा प्रकारे करता यावी या उद्देशाने मार्गदर्शन करण्यात आले। यावेळी हज प्रशिक्षण कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले होते। दावते इस्लामी हिंद भुसावळ शहरात गेल्या 17 वर्षापासून जिल्हास्तरीय हज प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करत असते। यंदाही दिनांक 5 जून रोजी ज्युनियर रेल्वे इन्स्टिट्यूट येथे एक दिवसीय हज प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत सदर कार्यक्रम हे संपन्न झाले। जिल्ह्याभरातून अनेक मोठ्या संख्येने भाविकांनी यावेळी उपस्थित दर्शवली। यावेळी मार्गदर्शक म्हणून हाफिज फारूक धुळे व मोहिन अतारी अकोला यांनी भाविकांना हजमध्ये करण्यात येणार धार्मिक विधी व दर्शन सही इत्यादी सर्व विधी कशा पूर्ण कराव्यात यासाठी सखोल असे मार्गदर्शन केले। कार्यक्रमाच्या शेवटी विश्वशांती व भारत देशा सर्वांगीण उन्नती प्रगती एकोप्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली। यावेळी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी हाजी शाकिर तन्वीर, रफिक खात्री, शरीफ अतारी, युसुफ खान, अशफाक शेख, मोहसिन शेख, आसिफ अतारी, रफिक रोशन यांनी खूप परिश्रम घेतले। या कार्यक्रमासाठी अनेक मुस्लिम समाजातील ज्येष्ठ समाजबांधवांनी देखील मार्गदर्शन केले। दावत इस्लामी 80 डिपार्टमेंट से ज़्यादा जो है डिपार्टमेंट में दीन मतीन की खिदमत अंजाम दे रही है, जिसका एक डिपार्टमेंट मजलिस हज उमरा भी है, जिसके तहत पूरे इंडिया भर में हज तरबियती कैंप तरबियती इज्तिमात का सिलसिला जारी है। आज 5 जून को भी कई मकामात पे हुआ, जिसमें से आज भुसावल में भी हज तरबियती इज्तिमा हमने करने की शहादत पाई है। जलगांव डिस्ट्रिक्ट से इस साल जाने वाले तमाम हुज्जाज इकराम आज इस हज तरबियती कैंप में शिरकत किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस भुसावल शहर में 17 सालों से ये तरबियती कैंप हम रखते आए हैं, आज भी रखे हैं और जो है वो बहुत पहले से ये सिलसिला जारी वसा।